हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। उस टाइम पर जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, वीकली बेसिस की रीडिंग लेकर आई हूँ, यानी कि फुल वीक की एनर्जीज को चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में। आज की इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं पूरे वीक की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप को लेकर कैसी रहने वाली है, एंड बाकी की जो भी एनर्जीज मिलेंगी आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। सो ऑल साइन की रीडिंग है गाइस, किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आखिर आपके रिलेशनशिप को लेकर ये वीक क्या कुछ लेकर आया है। सो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए ओम नमः शिवाय एंड पॉजिटिव होकर देखिए हर रीडिंग को। जितना पॉजिटिव होकर आप देखेंगे गाइस, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप रिसीव कर पाओगे। सो स्टार्ट कर लेती हूँ। कमेंट्स ज़रूर से करें गाइस, कमेंट्स करना ना भूलें कि आपके साथ में कितने हद तक रेजोनेट होती है ये रीडिंग। एंड देख लेती हूँ इस पूरे वीक में, यानी कि इस वीक में जो आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके साथ में क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली है। सबसे पहले आपके लिए एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। इस वीक में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है? ओके, सो टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज गाइस सबसे पहले आई है मेरे पास में। माइनर अरकाना से टेन ऑफ सोर्ड्स, मेजर अरकाना से स्ट्रेंथ, टेन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ कप्स। ओके, सो मेरे पास में जो एनर्जी आई है इस टाइम पर इस वीक में गाइस, हो सकता है स्टार्टिंग के टाइम में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है टेंशन कर रहे हो, या किसी बात को लेकर हो सकता है आपके मन में जो है कोई डीप पेन मुझे नज़र आ रहा है किसी बात को लेकर, या पास्ट को कुछ ऐसा है, पास्ट में कुछ ऐसा है आपके जिसको आप सोच रहे हो, याद करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, जिसको सोच सोच कर कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल भी जो है अच्छा महसूस नहीं हो रहा, या फिर आप दुखी हो रहे हो, उसे याद कर रहे हो, दुखी भी हो रहे हो, या रोने वाली एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रही है। जैसे आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, दिल से सोच रहे हो उसको, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को याद कर करके आपको कहीं ना कहीं हार्टली जो है एक पेन महसूस हो रहा है, ऐसी एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे मिल रही है। कोई ना कोई ऐसी बात है स्टार्टिंग में इस वीक के, जब आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, सोचने में कहीं ना कहीं आप मजबूर हो रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार पास्ट की आपके सामने आ रही हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पास्ट में सब कुछ जैसे कितना अच्छा था, कितना खूबसूरत था, कितना सुंदर था आपके रिलेशन में, बट प्रेजेंट टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पर पास्ट की आपको याद दिला रहा है, जिससे आप मुझे दुखी होते नज़र आ रहे हो। बट साथ में कुछ चीज़ मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है कि स्ट्रेंथ के कार्ड की एनर्जी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आप कुछ ऐसा भी होगा आपके साथ में कि भले ही पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, उसको सोच के दुखी हो रहे हो, या फिर पर्सन की कोई कमिटमेंट याद आ रही है और आज शायद उसको कमिटमेंट को जो है इन पर्सन ने अगर पूरा नहीं किया, तो उन चीज़ों को सोच सोच कर भले ही आप इस टाइम पर मुझे दुखी होते नज़र आ रहे हो, बट साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, कोई गुड न्यूज इस वीक में आपको मिलेगी, या कुछ भी ऐसा इस वीक में जो है आपके सामने आने वाला है जिससे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको अंदर से कहीं ना कहीं ताकत महसूस होगी, एक पावर महसूस होगी, एक ऐसी एनर्जी आपको महसूस होगी इस वीक में कि जैसे लाइक यूनिवर्स इज देयर विद यू टू हेल्प यू। सो ऐसी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं महसूस होगी, ये कोई ना कोई ऐसा है आपके साथ में जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस वीक में, बहुत ज्यादा आपको अंडरस्टैंड करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं, भले वो यूनिवर्स हो जो आपकी हेल्प कर रहे हैं हर तरीके से, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिल रही है। या फिर आपके कोई एल्डर्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई सपोर्ट इस वीक में बहुत ज़्यादा मुझे बना हुआ नज़र आ रहा है आपके ऊपर हर तरीके से, यानी कि कितना भी अगर किसी बात को लेकर आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बट इस वीक में एंड की जो एनर्जीज है वो बहुत खूबसूरत मेरे पास में आई है, जो कि टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो मुझे यहाँ पर बता रही है कि कोई सेलिब्रेशन मोमेंट इस वीक में आपका इंतज़ार कर रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपका इंतजार कर रही है, कोई हैप्पी मोमेंट होने वाला है, या फिर आप किसी लाइक हो सकता है आप किसी मैरिज में जाओ, या फिर आप किसी लाइक कोई सेलिब्रेशन में जो है पार्टिसिपेट करो, ऐसी एनर्जी मेरे पास में यहाँ पर आ रही है। कोई पास्ट में ऐसी एनर्जी मिल रही है कि लाइक जैसे पास से कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ की तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपसे बहुत वादे किए थे, बहुत प्रॉमिसेस किए थे, बट उसको पूरा नहीं किया था, या फिर बहुत ज़्यादा जो है कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ में आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ज़रा सी किसी बात पर जो है उनको बुरा लग गया हो, या फिर आपको बुरा लग गया हो, कोई नाराज़गी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर किसी पर्सन के साथ में पास्ट में आपकी हुई है, तो वो पास्ट के पर्सन जो हैं इस वीक में बहुत ज़्यादा मुझे एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे इन पास्ट के पर्सन की मिल रही है कि जैसे कि मानिए वो जो पर्सन है आपके पास में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको या तो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या फिर आपसे मिलना चाहते हैं। ज़्यादातर एनर्जीज मेरे पास में ऐसी मिल रही है कि कोई पास से कोई पर्सन जो है वो आपकी लाइफ की तरफ बड़ी तेज़ी से
वीक में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि कोई एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे लग रही है जो यहाँ पर पास्ट में हो सकती है, पास्ट के कोई भी पर्सन जिनके साथ में अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो एक हैप्पी रिलेशन था, खूबसूरत रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन फैमिली मेम्बर की तरह कोई पर्सन थे आपके जिनसे बहुत ज़्यादा खुलकर अपनी हर बात को, अपनी हर फीलिंग को जो है शेयर करते थे, और आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मन में एक सुख महसूस होता था, कोई शांति महसूस होती थी, एक हैप्पीनेस महसूस करते थे आप, एक फ्रीडम की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही जिन पर्सन के साथ में। और हो सकता है कि उनके साथ में आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या फिर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो, और वो पर्सन के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं 10 of Swords की, जिसमें आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, सकता है एनर्जी उन्हीं पर्सन के लिए हो, बट ऐसे कोई पर्सन मुझे आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज लग रही है जैसे वो आपको मनाने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई सॉरी एनर्जी के साथ में आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ उनसे गलती हो गई है तो उसके लिए जो है मिस्टेक, ओके, सो द लवर्स की एनर्जीज, वाओ। सो मेरे पास में जो एनर्जी आई है यहाँ पर लवर की, गाइस बहुत ही ज़्यादा एक हाईली वाइब्रेटिंग एनर्जी मुझे मिल रही है जो मुझे बता रही है कि ये जो भी पर्सन है इनकी आपके साथ में आपको लेकर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डीप एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है लवर्स के कार्ड को लेकर, जो मुझे बता रही है कि बहुत ज़्यादा स्टैम्परी पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं इमोशनल है, लवर्स की एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर स्टैम्परी पर्सन बिल्कुल मैच्योर होकर कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी सोच रही है शायद इन पर्सन ने कभी नहीं सोची आपको लेकर, या फिर शायद सोचते थे बट आपको लेकर शेयर नहीं करते। सो कोई लविंग एनर्जी इन पर्सन की तरफ से इस वीक में मुझे आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। इन पर्सन के साथ में गाइस आपका जो भी रिलेशन है, जनरल बेसिस की एनर्जी है ये कि ये पर्सन इस टाइम पर इस वीक में आपको लेकर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी बात को लेकर अगर इन पर्सन के माइंड में कोई फियर था, या आपके साथ में कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे अपनी कोई फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहे थे और एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, आपको ऐसा महसूस हो रहा था अंदर ही अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन पर्सन के साथ में आपका एक क्लोज रिलेशन है कि ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने मन की कोई बात है जो इन पर्सन ने, कुछ तो ऐसा है जो इन पर्सन ने अपने मन में हिड करके रखा हुआ है, आपसे छुपा कर रखा हुआ है। सो वो फीलिंग इस वीक में ये पर्सन आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की कार्ड की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी इन पर्सन की निकल कर इस वीक में आपके लिए आ रही है, साथ में फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पर मेरे पास में है। सो गाइस, फाइटिंग की एनर्जी के लिए मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी कि आखिर किस चीज़ के लिए है यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी। कुछ ऐसा है गाइस क्या इस वीक में जिससे आपको किसी बात को लेकर फियर महसूस हो रहा है, या फिर इस वीक में कुछ चेंजेस जो हैं मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है, फाइटिंग की एनर्जी कोई है जो इस वीक में है। सो इसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी गाइस। पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस, व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे मैसेज करें, मैसेज से ही जो है मुझे कॉन्टैक्ट करें सो डेट मैं आपको आंसर कर पाऊँ। ओके, सो माइंड की एनर्जीज, सो कोई एनर्जी इस वीक में जिससे आपको बचकर रहना है, केयरफुल रहना है, कोई डिसीजन इस वीक के एंड के टाइम पर जो है आपको नहीं लेना है। एंड ओके, सो क्रिएटिविटी की एनर्जीज यहाँ पर एंड रेपनेस। सो इस वीक में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप स्टक महसूस कर रहे थे अगर अपने रिलेशन में, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किन्हीं पर्सन के साथ में अगर आपकी थी, कोई फाइटिंग एनर्जी थी बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के साथ में, अगर आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तो इस वीक में वो पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनकी फीलिंग आपको लेकर स्ट्रांग होने वाली है। और इस वीक में कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा एक अलग सिचुएशन में एक अलग तरीके से हर बात को जो है मुझे समझते हुए नज़र आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर हाई मिल रही है कि कोई भी पर्सन है, ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा इस वीक में जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, या फिर किसी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या कोई थर्ड पर्सन को लेकर सिचुएशन अगर आपके रिलेशन में थी, तो वो सिचुएशन से पर्सन मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए इस वीक में ऐसी एनर्जी मुझे इन पर्सन की मिल रही है कि बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से ये जो भी पर्सन है इस वीक में आप ही का फेवर करने वाले हैं। अगर ये पर्सन को उस वीक में ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आप ही का फेवर लेंगे, या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अगर ये पर्सन डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप ही के फेवर में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लवर्स की एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर बार बार अट्रैक्ट कर रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दे रही है कि
कोई पर्सन इस वीक में है जो बड़ी तेज़ी से पास से आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं, जिनसे हो सकता है आपको कोई होपलेस एनर्जी महसूस हो रही हो, या फिर जिनके साथ में आपका एक अच्छा रिलेशन होने के बावजूद आज ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आप इनसे अपनी मन की फीलिंग तक नहीं शेयर कर पा रहे हैं। वो पर्सन की आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, जो बड़ी तेज़ी से ये पर्सन आपकी लाइफ की तरफ मुझे कम बैकिंग एनर्जीज दे रहे हैं, रीयूनियन की एनर्जी हो सकती है। सो गाइस, यही थी आपके पर्सन की एनर्जी इस वीक में, आपकी एनर्जी। आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग है रेजोनेट की हो। टिल टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।